मानव शक्ति को यदि तकनीकी मार्गदर्शन मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसको सच साबित किया है झुंझुनू जिले के छोटे से गांव रायला ने, जहां बरसात के पानी को पीने लायक बनाकर देश में एक अनूठी पहल की गई है। इस मिलीजुली कोशिश पर सरोकार में पेश है एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित झुंझुनू प्रदेश का सीमांत जिला है और जिले के अंतिम छोर पर बसा है 2500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव रायला। झेरली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस गांव के लोगों ने बरसात के जल को संरक्षित कर एक अनुकरणीय कार्य कर दिखाया है, जो जिले और राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए अनुकरणीय बन गया है। डार्क जोन में आने वाला ये गांव पेयजल के लिए बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल और कुओं पर ही निर्भर रहा है। कभी ट्यूबवेल खराब होने तो कभी बिजली आपूर्ति गड़बड़ा जाने के कारण गांव में पेयजल की समस्या पैदा होना आम बात रही है। इसके साथ क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल ने भी पानी की इस समस्या को और विकट बनाया है। कुल मिलाकर पीने और रोजमर्रा के काम में आने वाले पानी की समस्या गांव में लगातार बढ़ती ही गई। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा इलाका डार्क जोन में होने के कारण और कुओं की गहराई 400 फीट 500 फीट होने के कारण, बिजली समय पर ना मिलने के कारण, बिजली कम मिलने के कारण इस पानी का बहुत ही उपयोग है और आने वाले समय में इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ेगी और ये हमारा एक जीवन का आधार बनेगा। ऐसे समय में अमेरिका में बसे राजस्थानियों की संस्था राना की मदद से पिलाने स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स ने रायला गांव के लिए वर्षा जल संरक्षण की एक योजना तैयार की। बिट्स के वैज्ञानिकों ने ये योजना गांव के लोगों के सामने रखी और थोड़ी बहुत समझाइश के बाद लोग योजना के सहभागी बन गए। सिर्फ 2 माह के भीतर गांव के लोगों की मेहनत, राना का सहयोग और बिट्स का मार्गदर्शन रंग लाया। देखते ही देखते शुरुआती तौर पर गांव में 20 से 25 हजार लीटर पानी की क्षमता वाले 12 छोटे और जोहड़ में 4.5 लाख लीटर क्षमता वाला एक बड़ा टैंक बनकर तैयार हो गया। इस स्कीम में कुछ रेनोवेशंस किए गए हैं, कुछ परफोरेटेड पाइप्स लगाए गए हैं जो कि बाकी स्कीम में नहीं हैं। इसको इसीलिए लगाए गए हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये 10 से 12 घरों में 20-22 हजार लीटर्स के कुंड बनाए गए, जिससे कि एक परिवार को पूरे साल भर पीने का पानी मिलता रहे और उससे जो ओवरफ्लो होगा पानी और जो सरफेस रन ऑफ होगा वो वाटर हमने एक विलेज टैंक में कलेक्ट करने की कोशिश की है। योजना के तहत घरों में बनाए गए सभी टैंक एक पाइप के द्वारा छतों से जोड़े गए हैं। बरसात के समय छत का सारा पानी इसी पाइप के माध्यम से टैंक में पहुंचता है। छोटा टैंक पूरा भरने पर ये पानी बाहर बहने की बजाय इसके ऊपरी हिस्से में लगाए गए एक मोटे पाइप के माध्यम से गांव के बाहर जोहड़ में बनाए गए बड़े टैंक में पहुंच जाता है। गांव के सभी 12 टैंकों को पाइपलाइन के माध्यम से इस बड़े टैंक से जोड़ा गया है। ये पानी देखो जी, अब हम पानी को ज्यादा बेकार नहीं करते, हम ढंग से पानी को काम में लेते हैं। इसको हम पशुओं को पिलाते हैं, कपड़े धोते हैं, पेड़ पौधों में डालते हैं, हम नहाते हैं, सब बूंद बूंद पानी हम हमारे काम में लेते हैं। घरों में बरसाती पानी को पीने योग्य बनाने के लिए टैंकों के ऊपर वाटर फिल्टर लगाने की व्यवस्था है। फिल्टर होने के बाद ये पानी पूरी तरह साफ और स्वच्छ बन जाता है। ये पानी पीने के योग्य है और सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं है। ये बिना पावर, बिना बिजली के ये पंप चलता है, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है कि लाइट नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। टैंकों में एकत्रित बरसात के इस पानी का उपयोग गाँव वाले पीने के अलावा बर्तन और कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने और पेड़ पौधों में डालने के रूप में कर रहे हैं। बड़े टैंक में एकत्रित पानी को गांव वाले नर्सरी विकसित करने और सिंचाई के लिए काम में लेना चाहते हैं। इसी पानी को यूज करके हरियाली भी रखी जा सकती है और नर्सरी भी लगाई जा सकती है और एक्सेस हुआ तो इरिगेशन में भी काम में लिया जा सकता है। रायला गाँव में मुझे भी बिट्स पिलानी और राना जो काम कर रही है इसको देखने का अवसर मिला है। अभी उनकी शुरुआत है, एक गांव में किया है, धीरे धीरे उनकी प्लानिंग आने वाले सालों में 50 से 100 गांव के करने की है। अगर पानी को प्रॉपर संचय रखा जाए तो वेस्टेज भी रोका जा सकता है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ वाटर भी इम्प्रूव की जा सकती है। ऐसे में जरूरत रायला गांव की इस पहल को आगे बढ़ाने की है। इससे पानी की समस्या से जूझते प्रदेश को न केवल राहत मिल सकेगी
बल्कि ये पानी की एक एक बूंद बचाने की दिशा में सार्थक प्रयास होगा।